Hey friends, welcome back to the channel. आज हम Hell Hath No Fury इस फ्रेंच फिल्म की बात करने वाले हैं, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। समय है 1941 का, जगह है फ्रांस। कार में एक जर्मन ऑफिसर जा रहा है और उसके साथ उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड है। जंगल के रास्ते से गुजरते समय इनकी गाड़ी के आगे एक गिरा हुआ पेड़ आता है। ड्राइवर गाड़ी रोककर पेड़ हटाने के लिए गाड़ी से उतर जाता है, तभी उसे कोई झाड़ियों में से शूट कर देता है और इनकी गाड़ी पर भी फायर किया जाता है और तब जर्मन ऑफिसर गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। वो फ्रेंच लड़की जिसका नाम मेरी है, वो उसे ना जाने के लिए कहती है, पर वो ऑफिसर भाग जाता है और जिन्होंने हमला किया था वो लोग मेरी के पास आते हैं तो उन्हें गाड़ी में काफी सारा गोल्ड मिलता है। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक से फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और एक एक करके वो सभी लोग मारे जाते हैं और इन पे फायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जर्मन ऑफिसर होता है। वो उन सभी हमलावरों को मार देता है और वहां से जाने के लिए गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी इसीलिए वो ऑफिसर मेरी को और सारा गोल्ड को लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया गया है। यूरोप के कई देशों में जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जीत के बाद कई सारे यूरोपीय देशों में उन महिलाओं से नफरत की जाने लगी है जो नाजियों से करीब थी। उनके बाल काटकर उनके माथे ड्रॉ करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है और इन्हीं महिलाओं में थी मेरी। उसके भी बाल काटकर उसके भी माथे पर लाल रंग से ड्रॉ किया गया था। अब तक जर्मनी के खिलाफ अमेरिका भी वॉर में कूद चुका था और फिर उसके अगले सीन में 4 अमेरिकन सैनिक कहीं जा रहे हैं। उनके साथ कोई और भी है जिसका चेहरा ढका हुआ है और वो सब लोग पहुंच जाते हैं एक पुराने कब्रिस्तान में। वहां के केयरटेकर जिसका नाम जॉर्ज है, उससे सार्जेंट बात करता है और बताता है कि वो वॉन ब्रुकनर नाम के एक जर्मन की कब्र देखना चाहते हैं। लेकिन जॉर्ज इन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई भी जर्मन दफन नहीं है। और फिर गाड़ी में जिसका मुंह ढका हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही थी, उसे भी बुला लिया जाता है और उस कब्रिस्तान के केयरटेकर जॉर्ज को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है और उसे एक झोपड़ी टाइप जगह पर बिठा कर रखा जाता है और एक अमेरिकन सोल्जर उस पे नजर रखने लगता है। और फिर अमेरिकन सार्जेंट मेरी को भी धमकाता है कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इन कब्रों के बीच में एक कब्र तुम्हारी भी होगी। और फिर वो मेरी से वॉन ब्रुकनर की कब्र कहाँ है ये पूछता है। मेरी कहती है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। दरअसल वॉन ब्रुकनर वो जर्मन ऑफिसर है जिसे हमने फिल्म के पहले ही सीन में देखा था और मेरी ने अमेरिकन्स को बताया था कि ब्रुकनर के पास जो सोने की ईंटें थी वो ईंटें भी उसी के साथ इसी कब्र में दफनाई गई है और ये चारों अमेरिकन्स यहाँ पर मेरी को लेकर इसीलिए आए हैं कि वो सोना खोज सके। और फिर सार्जेंट मेरी के हाथ खोलता है और उसे ठीक से याद करके ब्रुकनर की कब्र कहाँ है ये बताने के लिए कहता है। मेरी कहती है कि कब्रिस्तान काफी बदल चुका है, यहाँ पे और भी नई कब्रें ऐड हो गई है इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पर वो ऐसे ही रैंडमली एक कब्र की ओर इशारा करती है और बताती है कि शायद ये वो कब्र है। और फिर अमेरिकन्स वो कब्र खोदने लगते हैं और उस कब्र में एक कंकाल तो होता है पर कोई भी गोल्ड नहीं मिलता। उसके बाद मेरी दूसरी कब्र की ओर इशारा करती है और उन्हें बताती है कि शायद ये वो कब्र है। अमेरिकन्स फिर से वो कब्र खोदने लगते हैं। इधर एक अमेरिकन सोल्जर जॉर्ज के पास बैठा हुआ था, तभी उस पे पीछे से आकर एक आदमी अचानक से हमला करता है और उसे चाकू से खत्म कर देता है और इसकी वजह से जॉर्ज उस पे बहुत गुस्सा करता है और जॉर्ज उस आदमी को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी यहाँ पर है और वो सोना लेने के लिए आई है, उसने 3 साल पहले यहाँ पे गोल्ड छुपा कर रखा था। और ये आदमी जिसने उस अमेरिकन सोल्जर को खत्म किया है उसका नाम क्लेमेंट है, ये मेरी का फ्रेंच एक्स बॉयफ्रेंड है। इधर दूसरी कब्र खोदने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तब मेरी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ वो सही जगह याद करने की और एक तीसरी कब्र की ओर इशारा करती है। अब उन तीनों अमेरिकन में से एक अमेरिकन को मेरी के ऊपर शक होता है जिसका नाम जेरी है। उसे लगता है कि मेरी झूठ बोल रही है, लेकिन सार्जेंट के कहने पर वो कब्र खोदना शुरू कर देता है। और इधर मेरी का एक्स बॉयफ्रेंड मतलब क्लेमेंट, उसने उस अमेरिकन सोल्जर के जो मर चुका था उसके कपड़े पहन लेता है और जॉर्ज उसे गन भी देता है। दरअसल क्लेमेंट मेरी की मदद करना चाहता था और उसे उन अमेरिकन्स के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। और फिर जब इधर तीसरी कब्र खोदने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तब जेरी मेरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी वो सब देखते हैं कि वो अमेरिकन सोल्जर जिसे जॉर्ज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था वो इन्हीं की तरफ आ रहा है और एक पेड़ के पास आकर रुकता है। उन तीनों में से एक अमेरिकन उसकी तरफ बात करने के लिए जाता है, पर तभी अचानक से वो फायर करना
करना स्टार्ट कर देता है और उस अमेरिकन को गोली लग जाती है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच मेरी बहुत खुश हो जाती है, वो देखती है कि क्लेमेंट उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है और फिर अमेरिकन से एक ग्रेनेड फेंकते हैं जिसकी वजह से जॉर्ज बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और फिर अमेरिकन फायर भी बहुत करते हैं जिसका मुकाबला ना करने की वजह से क्लेमेंट कहीं जमीन में अचानक से गायब हो जाता है। दरअसल वो एक सुरंग के अंदर चला गया था और फिर अमेरिकन सर्जन को लगता है कि मेरी नहीं इन सबको यहाँ पर बुलाया है और ये उसी का कोई ट्रैप है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। पर एट लास्ट वो मेरी को छोड़ देता है और तभी जॉर्ज जिसका धमाके की वजह से एक हाथ टूट गया था वो दूसरे हाथ में गन उठा लेता है और उसे अमेरिकन पे गोली चलाता है जिसे ऑलरेडी गोली लग चुकी थी और फिर सर्जेंट जॉर्ज को शूट कर देता है और जॉर्ज वहीं पर खत्म हो जाता है और वो अमेरिकन सोल्जर जिसको गोली लगी थी वो भी मर जाता है और इसकी वजह से जेरी को मेरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे वो खत्म करना चाहता है और अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता है लेकिन सर्जेंट उसे समझाता है और जेरी मेरी को छोड़ देता है। फिर ये दोनों भी मेरी को बांध कर रख देते हैं और टनल में छुपे हुए उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। वो टनल में ग्रेनेड फेंकते हैं लेकिन फिर भी अंदर क्लेमेंट जिंदा है। इधर सर्जेंट एक के बाद एक कब्रें सोने को पाने की लालच में खोदे जा रहे हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और मेरी को वो पल याद आते हैं जब वो ब्रुकनर के साथ थी। ब्रुकनर ने उसे बताया था कि उसने ये सोना बर्लिन के चांसलर से चुराया है और वॉर खत्म होने के बाद सुरक्षित रूप से इसे कैश में तब्दील किया जाएगा और आराम से ये दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। पर सही समय आने तक इस सोने को कब्रिस्तान में छुपाने का आइडिया मेरी का ही था। और फिल्म फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जेरी ने अपने दोनों मरे हुए साथियों को गाड़ी पर रख दिया है क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना चाहता था। और फिर तभी जेरी को फोन पे एक मैसेज मिलता है कि एक जर्मन बटालियन इसी तरफ आगे बढ़ रही है और फिर कहानी दो दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर दो जर्मन ऑफिसर यहाँ से भाग जाने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल 1944 में जर्मनी हर तरफ से हार रहा है और अब इन्हें अगर बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा और ये सब लोग यहाँ से भाग कर इटली जाना चाहते हैं। और तब हम देखते हैं कि इन दोनों ऑफिसर में एक ऑफिसर वही है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था, मतलब वो वॉन ब्रुकनर है जिसकी कब्र ये चार अमेरिकन्स ढूंढने के लिए इस कब्रिस्तान में आए थे। उन्हें मेरी ने बताया था कि वॉन ब्रुकनर की कब्र में ही सारा सोना छुपा कर रखा है लेकिन वॉन ब्रुकनर तो जिंदा था और वॉन ब्रुकनर इटली भागकर जाते जाते रास्ते में मेरी से भी मिलना चाहता था और कब्रिस्तान में छुपाया हुआ अपना गोल्ड भी वापस लेकर जाना चाहता था। अब ये अमेरिकन्स जान चुके हैं कि जर्मन्स इसी तरफ आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इन्हें अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा लेकिन मेरी तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। उसके बाद सर्जेंट मेरी के सिर पर एक खोपड़ी रख देता है और उसे शूट करता है। उसके बाद दूसरी खोपड़ी रख देता है और थोड़ी दूर जाकर उसे भी शूट करता है और उसके बाद तीसरी खोपड़ी उसके सर पर रख देता है और थोड़ी ज्यादा दूर जाता है और उसे शूट करने लगता है लेकिन इस बार उसका निशाना सही नहीं लग रहा होता है। मेरी पहले से ही डरी हुई थी और फिर वो बताना शुरू करती है कि असल में 3 साल पहले क्या हुआ था। मेरी ने वॉन ब्रुकनर को सोना कब्रिस्तान में छुपाने का आइडिया दिया था और वो आज ही रात को वहाँ पर जाकर सोना छुपाने वाले थे पर ये बात मेरी सीक्रेट मैसेज भेजकर किसी को बताती है और फिर वो दोनों कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। ये वही सीन है जो फिल्म के शुरुआत में था और कुछ लोग मेरी की गाड़ी पर हमला करते हैं। वो सभी लोग मेरी के ही साथी थे और फिर वो सभी लोग ब्रुकनर द्वारा मारे जाते हैं। उसके बाद मेरी और ब्रुकनर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान आते हैं। दरअसल मेरी का प्लान ये था कि रात को सोना लेकर वो ब्रुकनर के साथ कब्रिस्तान आएगी और यहाँ पर पहले से ही मेरी के साथी होंगे जिसमें कब्रिस्तान का गार्ड जॉर्ज और उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट भी शामिल था। फिर वो सभी मिलकर ब्रुकनर को खत्म कर देंगे और सोना वहीं पर कब्रिस्तान में छुपा कर रखेंगे। पर मेरी के टीम के आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में ही मर चुके थे और बाकी के लोग कहाँ हैं ये मेरी नहीं जान पा रही थी। उसके बाद मेरी अकेली ही गोल्ड एक कब्र में छुपा देती है और ब्रुकनर की गन से उसे शूट कर देती है और गोली सीधे ब्रुकनर के फेस पर लग जाती है। उसके बाद मेरी उसे उठाकर बड़ी मुश्किल से उसी कब्र में डाल देती है और गोल्ड के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी उसी कब्र में डालकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल गोली फेस पे लगी थी पर वो आर पार नहीं हुई थी इसीलिए ब्रुकनर जिंदा था लेकिन मेरी उसे मरा हुआ मान रही थी। जब मेरी वापस गई तो तभी उसे SS ने गिरफ्तार कर लिया और वो 3 सालों तक जेल में रही। जब उसे इस हालात में बाहर निकाला गया तो अमेरिकन्स ने उसे गोल्ड
गोल्ड की लालच में वहाँ से उठा लिया। और फिर मेरी बताती है कि वॉन ब्रुकनर ने उसके माता पिता पर बहुत अत्याचार किए थे और उनको खत्म कर दिया था। ये उन्हीं की कब्र है जहाँ पर सोना छुपाया गया है। और फिर क्लेमेंट भी सुरंग से बाहर निकल आता है। मेरी अपने माता पिता की कब्र भी अमेरिकन्स को दिखाती है और इस बार अमेरिकन्स को सच में सारा गोल्ड मिल जाता है। लेकिन इस कब्र में, जैसे कि मेरी ने बताया था, ब्रुकनर की लाश नहीं थी। मेरी ने उन्हें बताया था कि उसकी लाश भी गोल्ड के साथ यहीं पर थी। इसीलिए जेरी को मेरी के ऊपर अभी भी शक हो रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। फिर ये दोनों अमेरिकन्स प्लान बनाते हैं कि इससे पहले जर्मन्स यहाँ पर पहुँचे, मेरी को खत्म करके गोल्ड लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी वहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है और मेरी गोल्ड लेकर भागने लगती है और अमेरिकन्स और क्लेमेंट के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्लेमेंट मेरी को पकड़ लेता है। मेरी उससे बहुत नाराज होती है कि 3 साल पहले उसने मेरी को छोड़ दिया था। 3 साल पहले उसने मेरी को अकेला छोड़ दिया था। पर वो मेरी से माफी मांगता है और सारी गलती जॉर्ज की है ये बताता है। सारा प्लान जॉर्ज ने डिस्टर्ब किया था ये बताता है। फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है और मेरी भागने लगती है, लेकिन उसे अमेरिकन गन की नोक पर पकड़ लेता है और मेरी से क्लेमेंट से बात करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जर्मन्स आ रहे हैं और उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम नहीं निकल पाएंगे, तो क्यों ना हम चारों मिलकर उनका मुकाबला करें। क्लेमेंट कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अमेरिकन्स गन की नोक पर उसे अपने साथ जर्मन्स के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं और उसे मानना पड़ता है। इधर वॉन ब्रुकनर अपनी बटालियन को लेकर काफी नजदीक पहुंच गया है और बस कुछ ही मिनटों में कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा। और फिर ये चारों मिलकर उनके पास जितने भी बम, हथियार और बारूद है उसके साथ क्या करना है इसका प्लान बनाने लगते हैं और जर्मन्स के मुकाबले की तैयारी करने लगते हैं। और जर्मन्स वहां पहुंच जाते हैं जैसा कि तय हुआ था। उनके कब्रिस्तान में एंटर करते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। ग्रेनेड्स के धमाके होने लगते हैं, जर्मन्स मारे जाने लगते हैं। कुछ देर फायरिंग चलती रहती है और फिर ब्रुकनर मेरी को देखता है और उसकी टांग पर गोली चला देता है और फिर क्लेमेंट पर भी फायर करता है और क्लेमेंट वहीं पर मर जाता है। इधर जेरी को भी एक जर्मन सिपाही चाकू से बहुत ज्यादा घायल कर देता है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था और उसे भी आखिरकार ब्रुकनर मार गिराता है। और इतनी बुरी फायरिंग के बाद, इतने घमासान वॉर के बाद, यहाँ पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ सार्जेंट, मेरी और ब्रुकनर जिंदा है। ब्रुकनर कहता है कि हम तीनों भी गोल्ड बांट लेंगे और अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों भी सामने आते हैं, पर मेरी अमेरिकन सार्जेंट को शूट कर देती है और वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद मेरी और ब्रुकनर भी एक दूसरे पर शूट कर देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन मेरी चाकू से ब्रुकनर को भी खत्म कर देती है। और फिर वहाँ अमेरिकन हवाई हमला करने वाले हैं। दरअसल सार्जेंट ने हवाई हमले के लिए यहाँ के लोकेशंस जर्मन्स यहाँ पहुँचने से पहले ही भेज दिए थे और अमेरिकन प्लेन्स बम बरसाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और अमेरिकन प्लेन्स बम बरसाते हैं, कई सारे धमाके होते हैं, धरती हिल जाती है, लेकिन मेरी बच जाती है। वो आंखें खोलती है और उठती है, सारा गोल्ड लेकर उसी कब्र में वापस रख देती है और वहाँ से उस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है। मेरी फिर कभी वापस उस कब्रिस्तान में नहीं गई। वो पेरिस चली गई और एक आर्किटेक्ट के साथ उसने शादी की और फाइनली 1997 में मेरी की मृत्यु बुढ़ापे में हुई। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।